मैं इस वक्त मुक्तिबोध की धरती से बोल रहा हूँ। मुक्तिबोध ने कभी कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ी के उस ओर। और आप सबको पता है कि फेसबुक की जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं अंकी दास, उनको लेकर के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो बहुप्रसिद्ध अखबार है, 3 दिन पहले खुलासा किया कि अंकी दास केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, हेट स्पीच यानी कि सामाजिक दुर्भावना को बढ़ाने वाली पोस्ट को न हटाने की बात अपने अधीनस्थों से कह रही है। ये बड़ा खुलासा था। आपको बताऊं कि देश में सर्वाधिक फेसबुक का, हमारे हिंदुस्तान जो है फेसबुक का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाला देश है, उसके बाद अमेरिका का, ब्राजील का, इन सबका नंबर आता है। ये जो खबर थी, इस खबर को लेकर के मैं आवेश तिवारी, जो कि स्वराज एक्सप्रेस का स्टेट हेड हूं छत्तीसगढ़ का, हमने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, जिसके बाद कल जानकारी मिली कि अंकी दास ने मेरे साथ साथ 3-4 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है। निसंदेह यह बड़ा चौंका देने वाला मामला था। एक तरफ जहां पर फेसबुक दावा करता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसर देते हैं, हम आइडियाज के अवसर देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही थी कि जो फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर थी उनको जनता के बीच आकर के, प्रेस के बीच आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए था, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आपको बताऊं कि उस फेसबुक पोस्ट को जिसको मैंने लिखा था, उस पर तमाम तरह के थ्रेट्स मैसेजेस भी आ रहे थे, मुझे लगातार व्हाट्सएप पे गुमनाम लोगों के फोन भी आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कल मैं आया, और आकर यही पीछे आप थाना देख रहे हैं, कबीरनगर थाना रायपुर छत्तीसगढ़ का, यहां पर आकर के मैंने एक FIR दर्ज कराई है अंकी दास, विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ। और आपको बता दूं कि ये घटना जो घटी है, ये अभिव्यक्ति की खतरे वाली बात फेसबुक की, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-3 सालों से जब पुलवामा पर हमला हुआ, वहां पे CRPF के हमारे बहादुर जवान मारे गए, CANRC का प्रदर्शन हुआ, तमाम तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए, उन सब पर जब भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, मेरे द्वारा की गई या फिर अन्य पत्रकारों द्वारा या सामाजिक सरोकार और इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के द्वारा की गई, तब फेसबुक ने उनको ब्लॉक कर दिया या फेसबुक ने उनकी पोस्ट को हटा दिया। अब देखना यह होगा कि फेसबुक एक ऐसे वक्त में, जब उसके हिंदुस्तान में जो साउथ एशिया का की पॉलिसी डायरेक्टर है अंकी दास, उनके खिलाफ FIR हो गई है, वो क्या कदम उठाता है। फेसबुक को अपनी निरपेक्षता साबित करनी होगी, फेसबुक को, जनता को यह बताना होगा कि हम निरपेक्ष हैं, हम कहा और हम किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद भड़काने में कहीं से किसी भी दल, किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आवेश तिवारी, साथी कैमरामैन प्रकाश के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से।